दोस्तों आज कवर करेंगे पौधे के रोग, जितने भी पौधे हैं उनमें कितने रोग होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, सारा कवर कर लेंगे। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों आगामी आने वाले पेपर के लिए रेलवे, एनटीपीसी, एफसीआई और दोस्तों इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ते जाता हूँ, जस्ता, लोहा, नाइट्रोजन, कैल्शियम। धान में दोस्तों एक खैरा रोग होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जस्ता की कमी के कारण ये खैरा रोग होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो यहां पर लगा के चलिए इवैल्यूएशन करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अपने आंसर की, स्कोर कितना आया। और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें। ए यहाँ पर है दोस्तों, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो दोस्तों आलू, तंबाकू, पालक, केला, मोजेक रोग। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन सही है, तंबाकू। मोजेक रोग होता है दोस्तों तंबाकू पौधे का। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नींबू का साइट्रस कैंसर रोग किससे होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी। आप अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज करें दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों जो भाई लगा रहे हैं जीवाणु को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नींबू में साइट्रस कैंसर रोग होता है दोस्तों, वो जीवाणु की कमी, जीवाणु की वजह से होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैकी टॉप रोग किस पौधे से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आम, आलू, केला, पपीता। आप अपना ऑप्शन चूज करें दोस्तों। तो बैकी टॉप दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैकी टॉप रोग होता है केला का। ठीक है ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, हरे सहवाल। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हरे सहवाल। दोस्तों चाय में एक लाल रस रोग होता है, वो किसके कारण होता है? हरे सहवाल के कारण, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है? दोस्तों कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। सबसे ज्यादा बताना दोस्तों। ऑप्शन ए कवक, पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है दोस्तों कवक। ठीक है ये ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं यहां पर, अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर, इमेगो। अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों। ऑप्शन सी कैटरपिलर, जो जो लगा रहे हैं कैटरपिलर को बिल्कुल सही है वो। फसलों को कीट की दोस्तों ये अवस्था है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है? आपको पौधा बताना है दोस्तों यहां पर, नारंगी, अंगूर, नारियल, सेब। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों। ऑप्शन डी सेब। दोस्तों अग्नि निर्जर रोग है ना, देखिए दोस्तों सेब से, सेब का वो रोग है अग्नि निर्जर। ठीक है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, टीका रोग किस पौधे में होता है? आपको पौधा बताना है, मूंगफली, सोयाबीन, आलू, गेहूं। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों। ऑप्शन ए मूंगफली। देखिए दोस्तों टीका रोग होता है ना, वो लगता है मूंगफली के अंदर, मूंगफली पौधा होता है उसके अंदर टीका रोग हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है? पौधा बताना है दोस्तों, गेहूं, आलू, सेब, आम। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें यहां पर, निसंदेह दोस्तों आलू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेट ब्लाइट दोस्तों रोग होता है आलू के अंदर। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हरित बाली रोग किस पौधे का रोग है? हरित बाली रोग, बिल्कुल दोस्तों यहां पर ऑप्शन आपके हैं बाजरा, सरसों, चना, गेहूं। राइट ऑप्शन चूज करें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बाजरा। हरित बाली रोग देखिए दोस्तों किस पौधे से संबंधित है? बाजरे से, तो ध्यान रखना है आपने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल सडन रोग किस पौधे का रोग है? आपको पौधा बताना है दोस्तों, गन्ना, धान, कपास, ज्वार। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें।
बिल्कुल दोस्तों, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही, गन्ना लाल सड़न रोग हो जाता है, देखिए दोस्तों गन्ने में, ठीक है। तो दोस्तों आपने आंसर देते हुए चलना, बिल्कुल जो जिस जिस भाई को ये आंसर पता है ना उसकी जीके बिल्कुल अच्छी है, और जिनकी नहीं है दोस्तों निराश ना हो, इस वीडियो को देख लेना एंड तक, और दोस्तों एक दो बार और देख लेना ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पनामा सूखा रोग किस पौधे से संबंधित है? ऑप्शन है केला, सेब, नींबू, अनार। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों यहां पर। बिल्कुल दोस्तों केला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पनामा सूखा रोग है, किस पौधे से संबंधित है? केला से। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कपास की फसल में कौन सा रोग होता है? कपास की फसल होती है ना कॉटन की, दोस्तों ए ऑप्शन है ब्लैक आर्म रोग, टीका रोग, मोल्या रोग, हरित बाली रोग। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज करें। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्लैक आर्म रोग। कपास में कौन सा रोग होता है? ब्लैक आर्म रोग। और दोस्तों यहां पर और देखें तो हरित बाली रोग हमने कहां पढ़ा था? बाजरा में। टीका रोग हमने कहां पढ़ा था दोस्तों? मूंगफली में। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कोयलिया रोग किस पौधे से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहां पर आम, सेब, अनार, मौसमी। तो राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आम। कोयलिया रोग जो है ना वो आम पौधे से संबंधित है दोस्तों, आम का रोग है कोयलिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले दोस्तों, रोज हम इसी तरह का वीडियो लेके आते हैं। चलिए दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।